तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, दोस्तों हरे तंत्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको मारण की, वैसे हमने बहुत सारी विधियां बहुत सारी क्रियाएं दे रखी हैं, लेकिन आज मैं एक आपको शास्त्रीय विधि या आप कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही प्राचीन और अति प्राचीन विधि आप लोगों को दे रहा हूं। ये कृत्या की विधि है, मृत्येश्वरी कृत्या के नाम से इसकी साधना है। मृत्येश्वरी कृत्या जो है इसकी मूल शक्ति है और इस शक्ति से आप किसी भी तरह का जो काम है, किसी भी तरह का आपको मारण उस आदमी का करना है, किसी भी तरह का कोई भी आदमी होता है किसी भी तरीके से है, आप मर जाएगा किसी भी तरह से। मेरा मतलब है कि वो बीमार होकर भी मर जाएगा, एक्सीडेंट से भी मर जाएगा, या किसी भी तरीके से है, उसका मारण आपका 100% हो जाता है। ये प्रयोग कभी भी फेल नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं होता है कि वो बंदा या ये शक्ति जाएगी, शक्ति ही उसको लगेगी, किसी भी तरीके से उसका मारण हो जाता है, 100% हो जाता है। इसकी जो विधि प्रॉपर्ली जो इसकी विधि है वो तो हम आपको जब आप पर्सनल में आप इसकी विधि लेंगे भाई हम तभी बताएंगे। यहाँ वीडियो में आपको कुछ इसकी पर्सनल चीजें हैं वो नहीं बता सकते, लेकिन इसमें आपको छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक छोटी सी पुतली बनती है। पुतली बनने के बाद या तो आप ये साधना कहीं शमशान में करिएगा या इसे आप कहीं एकांत बंद कमरे में कीजिएगा, एकांत जगह पे कीजिए। वहां पे करते समय इसकी एक पुतली बनानी है और इसमें एक हवन होता है, ठीक है। तो पहले एक बार 108 आहुतियों का हवन होगा, फिर पुतली का पूजन होगा, फिर से इसमें 108 आहुतियों का हवन होगा, यानी कि टोटल 216 आहुतियां आपको इसमें डालनी है। इसे एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा यही पूछेंगे, क्योंकि इसमें विधि जो है उसमें दो हवन लिखे हैं। तो पहले एक बार हवन कर देना है, फिर उसके बाद पुतली का फिर से पूजन करना है, फिर से हवन करना है। पुतली का पूजन एक पहला हवन होगा, उससे पहले भी पुतली पूजन होगा, सारे देवी देवताओं का पूजन होगा, गुरु इष्ट का पूजन होगा, इसके बाद में फिर से हवन होगा, हवन होने के बाद फिर पुतली का पूजन होगा दोबारा से, और फिर से हवन होगा। इसमें केवल आपको हवन करना है और दूसरा कुछ नहीं करना है। इसके कुछ विशेष सामान है, विशेष सामग्री है जो हम यहाँ वीडियो में नहीं बोलना चाहते हैं। आप लोग जो भी कोई साधना लेना चाहता है हम केवल उसी को ये विधि वो बताएंगे क्रिया उसमें। तो वो जो सामान अगर आप लाके इसमें डालते हैं, लगाते हैं, करते हैं, यूज करते हैं, 100% शत्रु का मारण होता ही होता है। ये प्राचीन विधि है और कभी भी किसी भी तरीके से ये फेल नहीं होती है। इन विधियों का सबसे बड़ा खास बात है इसका जो बहुत प्राचीन और एक पारंपरिक तरीके से इसको किया जा सकता है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। किसी भी तरीके से यदि आप अपने शत्रु से पीड़ित हैं, किसी से जो आपको ज्यादा ही हद से ज्यादा परेशान कर रहा है, वैसे तो मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि आप तभी इसका इस्तेमाल करना जब मरने और मारने की नौबत आए। तंत्र में कहा गया है कि तभी मारण प्रयोग करना चाहिए। तो जब आप अपने शत्रु से अत्यधिक ज्यादा पीड़ित हो चुके हों या किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी आपके जो शत्रु ने आपके साथ किसी भी तरह का कुछ ज्यादा गंदा या गलत काम किया हुआ है तो आप मारण करने के अधिकारी हैं, आप मारण कर सकते हैं। विधि सिंपल है, नॉर्मली सरल है, लेकिन इसमें विधि में आपको हवन करना है। हवन से पहले आपको इसके मंत्र को सिद्ध भी थोड़ा सा करना है, ठीक है। तो इसकी एक पूरा प्रोसेस है जो हम यहाँ नहीं आपको पूरा यूट्यूब पे बता रहे हैं। आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे जो दिए हुए नंबर हैं आप इनको संपर्क कर सकते हैं। तो ये मैं आपको पक्का कह रहा हूं कि अगर आप ढंग से इसका प्रयोग पूरे तरीके से आप करते हैं 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये प्रयोग कभी फेल नहीं होता क्योंकि इसमें हवन होते हैं और बहुत ही प्राचीन विधि है।